morning students, this is your English class. In the previous video we have started chapter 1.1 of unit 1 in your English book. In the previous video we have already started the first part of chapter 1.1. Today in this video we are going to study the second part of this chapter. So students, open your book and let's read with me. So students, now open page number 3 in your English book. Now see on the top of the page, from there you have to start read. The Kavliyala turned and looked up at the child. Kavliyala turn kiye aur us child ko dekhe the. Kavliyala turn kiye the phir us child ko देखे थे. उस चाइल्ड मतलब उस लड़की जिसकी नाम है मीनी. ठीक है, तो कावलीवाला जब रास्ते से जा रहे थे और मीनी अपने घर के खिड़की से कावलीवाला बोल के चिल्ला रहे थे, तो ये सुन के कावलीवाला उस चाइल्ड के तरफ, मीनी के तरफ टर्न किए और उसको देखे. ओवरकम बाई टेरर मीनी फ्लेड टू हर मदर फॉर प्रोटेक्शन. टेरर फ्लेड टू वर्ड्स आर न्यू. टेरर मीन्स ग्रेट फियर, फ्लेड मीन्स रन अवे. ओके, सो कावलीवाला को देखकर मिनी बहुत डर गए थे और अपनी मम्मी के पास भाग गए थे खुद को बचाने के लिए. She had a blind belief that inside the big man's bag there were two or three other children like herself. मिनी का एक अंधविश्वास था कि ऐसे बहुत बड़े लोगों के बैग के अंदर में मिनी जैसे और भी दो तीन बच्चे रहते हैं. ओके, मिनी का एक अंधविश्वास था कि ऐसे बड़े लोगों के बड़े बैग के अंदर मिनी जैसे और भी दो तीन बच्चे रहते हैं. बट मीनवाइल द पेडलर केम इन एंड ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल. पेडलर, पेडलर मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस trying to sell small articles. ओके, ऐसे एक पर्सन है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं कुछ आर्टिकल्स बेचने के लिए, कुछ थिंग्स को बेचने के लिए. ठीक है, सो कुछ टाइम बाद वही पेडलर जो रास्ते से जा रहे थे उन्होंने ऑथर के पास आए और एक स्माइल के साथ ग्रीटिंग किए उनके साथ. ओके, आई मेड सम स्मॉल परचेस. ऑथर सेड दैट ही मेड सम स्मॉल परचेस. ऑथर कावलीवाला के पास कुछ थिंग्स खरीदे. देन आई हैड अ लिटिल कॉन्वर्सेशन विथ हिम अबाउट हिज कंट्री. उसके बाद ऑथर ने इस कावलीवाला के साथ उनके कंट्री के बारे में कुछ बात किए थे. ठीक है, कावलीवाला ऑथर के पास आए थे उनके साथ मिलने के लिए, दोनों ग्रीटिंग किए एक दूसरे को. उसके बाद ऑथर ने कावलीवाला के पास कुछ चीज खरीदे थे. उसके बाद ऑथर ने इस कावलीवाला के साथ उनके कंट्री के बारे में कुछ बात किए थे. As he was about to leave, he asked, "Where is the little girl, sir?" जब एक कावलीवाला वापस जाने वाले थे उन्होंने ऑथर को ये पूछे थे कि सर, वो छोटी सी लड़की जो खिड़की के पास थी वो कहाँ है.
थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फियर आई हैड हर ब्रॉट आउट सो गेट रिड ऑफ मीन्स सी हियर बिकम फ्री ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट ओके बिकम फ्री ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट ऑथर ने ये सोचकर मिनी को बाहर लेके आए थे कि मिनी का जो झूठा डर है उस कावली वाला को लेके वो थोड़ा कम हो गया है ठीक है ऑथर ने ये सोचे थे कि मिनी का जो डर है कावली वाला को लेके जो फॉल्स फियर है वो थोड़ा कम हो गया है ये सोच के ऑथर ने उस मिनी को बाहर लेके आए थे सी स्टूड बाय माय चेयर लुकिंग एट द कावली वाला एंड हिज बैग मिनी ऑथर के पास खड़ी हो गई थी और वो कावली वाला और उनके बैग के तरफ देख रही थी ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेसिन्स बट सी वॉज नॉट टेम्प्टेड ओके नाउ सी रेसिन्स रेसिन्स मीन्स ड्राइड स्वीट ग्रेप्स यूज्ड इन केक्स एटसेट्रा टेम्प्टेड मीन्स अट्रैक्टेड ओके सो एक कावली वाला ने मिनी को कुछ नट्स एंड ड्राई ग्रेप्स ऑफर किए थे ठीक है एक कावली वाला ने मिनी को कुछ नट्स एंड ड्राई ग्रेप्स ऑफर किए थे बट मिनी ये देखकर अट्रैक्टेड नहीं हुई थी क्योंकि वो डरी हुई थी इनको देखकर सी क्लांग क्लोज टू मी व्हाट क्लांग मीन्स सी क्लांग मीन्स हेल्ड ऑन टाइटली जब कावली वाला ने मिनी को फ्रूट्स ऑफर किए थे तब मिनी डर के ऑथर के पास ऑथर के क्लोज और भी चले गए थे पीछे छुप गए थे ठीक है दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग ये मिनी और कावली वाला दोनों का फर्स्ट मीटिंग था फर्स्ट पहला मुलाकात था इन दोनों का ठीक है वन मॉर्निंग Not many days later, I had to go somewhere. कुछ दिन बाद एक दिन सुबह ऑथर कहीं पर जाने वाले थे As I was leaving the house, I was startled to find Minnie laughing and talking with the great कावली वाला Was startled means got a sudden shock of surprise. Okay? So, जब ऑथर ने घर से बाहर निकले थे तब उन्होंने ये देखकर डर गए बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए थे जब ऑथर ने घर से बाहर निकले थे तब उन्होंने ये देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो गए थे कि मिनी उस कावली वाला के साथ बहुत बात कर रहे हैं हंस भी रहे हैं ओके सी वॉज सीटेड ऑन अ बेंच एंड द कावली वाला वॉज सिटिंग एट हर फीट मिनी एक बेंच पर बैठी हुई थी और कावली वाला उसके पैर के पास बैठे थे मिनी हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर ऑल हर लाइफ मिनी बहुत बात करती है बट वही मिनी कभी उसके लाइफ में इतना पेशेंस रखते हैं ऐसे लिसनर कभी नहीं देखी है ओके मिनी उसके लाइफ में इतना पेशेंस रखते हैं ऐसा लिसनर कभी नहीं देखी है द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वॉज ऑलरेडी स्टफ्ड विथ आलमंड्स एंड रेसिन्स मिनी जो साड़ी पहनी थी उस साड़ी का कॉर्नर आलमंड्स एंड ग्रेप से एकदम स्टिकी हो गया था एकदम
स्ट्रक हो गया था, ओके मतलब उसके साड़ी के कॉर्नर में आलमंड्स और रेसन्स लग गया था। व्हाई डिड यू गिव हर दोज आई सेड, ऑथर ने इस कबली वाला को पूछे थे कि आप इसको ये सब क्यों दिए हो। आई टुक आउट अ कॉइन एंड हैंडेड इट टू हिम, ऑथर ने एक कॉइन निकाले थे और उसको कबली वाला को दे दिए थे। नाउ सी पेज नंबर 4। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज यू हैव टू स्टार्ट रीड। ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर आई फाउंड दैट द कॉइन हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल। एक घंटा बाद जब ऑथर ने वापस आए थे तब उन्होंने देखे थे कि वही कॉइन जो कॉइन उन्होंने कबली वाला को दे कर गए थे वही कॉइन एक ट्रबल क्रिएट किए है, एक झंझट क्रिएट किए है। द कबली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, वही कॉइन कबली वाला ने मिनी को दिए थे। एंड हर मदर वॉज शाउटिंग वेयर डिड यू गेट दिस कॉइन, और मिनी की मम्मी मिनी के ऊपर बहुत ही चिल्लाए थे कि ये कॉइन आपको कहाँ से मिला है करके। द कबली वाला गेव इट टू मी, सेड मिनी चीयरफुली। मिनी बहुत खुश होकर बोल रही थी कि एक कॉइन मेरे को कबली वाला ने दिए है। द कबली वाला गेव इट टू यू, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड। उसकी मम्मी और भी शॉक्ड होकर बोल रही थी कि कबली वाला ने आपको ये कॉइन दिए थे। लकीली फॉर मिनी आई एंटर जस्ट देन एंड सेव्ड हर फ्रॉम एनी थ्रशिंग। व्हाट थ्रशिंग मीन्स? थ्रशिंग मीन्स सेवर बीटिंग, ओके थ्रशिंग मीन्स सेवर बीटिंग। इट वॉज लकी लक फॉर मिनी, मिनी वॉज वेरी लकी एट द टाइम दैट द ऑथर एंटर्ड। मिनी के लिए ये बहुत लाख की बात है कि उस टाइम ऑथर ने घर आ गए थे और मिनी को उसके मम्मी से मरने से बचा लिए थे, ठीक है। लकीली उस टाइम ऑथर ने वापस घर आ गए थे और मिनी को उसके मम्मी से मम्मी के मरने से उसको बचा लिए थे। Later, I came to know that it was not the first or second time the two had met. बाद में ऑथर को पता चल गया था कि ये दोनों ये फर्स्ट और सेकेंड टाइम दो तीन बार नहीं मीट किए थे, और भी ज़्यादा टाइम एक कावली वाला और मिनी ने मीट किए थे एक दूसरे के साथ। The कावली वाला had overcome the child's fears by a ब्रीवरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स। वही कबली वाला मिनी को नट्स और आलमंड्स दे के उसका उसके अंदर जो फियर था उसको हटा दिए थे या दूर किए थे, ओके। द टू हैड बिकम ग्रेट फ्रेंड्स एंड हैड मेनी कॉमन जोक्स। दोनों ये कबली वाला एंड मिनी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और दोनों बहुत जोक्स भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल मिनी वुड से ओह कबली वाला व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। फॉर एग्जाम्पल उन लोग ऐसे जोक्स करते थे, मिनी कबली वाला को पूछते थे कि कबली वाला आपके बैग में क्या है, एंड ही वुड रिप्लाई एन एलिफेंट, और कबली वाला ने ये रिप्लाई करते थे कि मेरे बैग में एलिफेंट है। नॉट मच कॉज फॉर मेरीमेंट Perhaps, see here, merriment is a new word. It means happy talk and laughter. Okay, so ये ज़्यादा खुश होने का कुछ बात ही नहीं था. But how both of them enjoyed the joke. But ये दोनों कबली वाला and मिनी इस joke में बहुत हंसते थे, बहुत enjoy करते थे इस jokes को. Then the कबली वाला would take his turn and say, "Well, little one, when are you going to the father-in-law's house?" उसके बाद कबली वाला भी मिनी को ऐसे
जोक्स पूछते थे कि बोलो लिटिल वॉन, अब कब फादर इन लॉज घर जाओगे? ऐसे बोलते थे काबली वाला ने मिनी को, जोकिंग करके ही बोलते थे कि छोटे अब बताओ अब कब ससुराल जाओगे। मिनी वॉज येट ओनली अ लिटिल चाइल्ड, उस टाइम मिनी बहुत ही छोटी थी। सी हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट अ फादर इन लॉ इज, उसका कुछ आइडिया ही नहीं था कि फादर इन लॉज हाउस क्या होता है या ससुराल क्या होता है। बट सी वुड नॉट सो हर इग्नोरेंस, बट मिनी भी अपना इग्नोरेंस सो नहीं करती थी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ससुराल क्या होता है उस टाइम। ओके, वही इग्नोरेंस, वही इमैच्योरिटी मिनी सो भी नहीं करती थी उस टाइम। विथ रेडी टैक्ट सी वुड से आर यू गोइंग देयर, सी हियर रेडी टैक्ट व्हाट इट मीन्स लेट्स सी। रेडी टैक्ट मीन्स क्विक एंड इंटेलिजेंट एक्शन। मिनी ने बहुत क्विकली, बहुत इंटेलिजेंटली ये पूछते थे काबली वाला को कि आप भी उधर गए हो क्या, मतलब आप भी ससुराल गए हो क्या। Among men of the Kavliwala's class, the words father-in-law's house have a double meaning. Kavliwala ke paas ye father-in-law's house ka aur ye sasural ka dusra meaning bhi hai. Kavliwala ke life mein ye sasural ka ya father-in-law's house ka double meaning hai, dusra meaning bhi hai. They are another name for jail, a place where we are well cared for at no expense to ourselves, जिसका दूसरा नाम है जेल, जहां पर हमको बहुत अच्छे से केयर किया जाता है without any expense. The Kavliwala would take Mini's question in this sense. वही सेंस में कवली वाला मिनी का ये क्वेश्चन एक्सेप्ट करते थे। ही वुड शेक हिज फिस्ट एट द इनविजिबल पुलिसमैन एंड से आई विल थ्रस माई फादर इन लॉ, एट दिस मिनी वुड गो इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर इन विच हर फ्रेंड वुड ऑल्सो ज्वाइन। नाउ सी, पील्स ऑफ लाफ्टर मीन्स लाउड बर्स्ट्स ऑफ लाफ्टर। कवली वाला ने मिनी को ये बोल रहे थे कि मेरा जो फादर इन लॉ है ना, मैं उनको बहुत मारा हूँ। ये सुन के मिनी ने बहुत हंसने लगी थी और कवली वाला भी बहुत हंसने लगा था। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी टू दिस पोर्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।